डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखा था, जिसमें वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग को गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। वक्रता त्रिज्या जिसे R से हम लोग सूचित करते हैं और फोकस दूरी जिसे F से सूचित करते हैं, इन दोनों के बीच हमें संबंध बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको निकल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आज समझेंगे, और इसी के जैसा आज मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा जिसको आप करके मेरे पास भेजेंगे, सेम इसी टाइप का एक होमवर्क देंगे हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा दिमाग आप लोग बिल्कुल शांत कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, मतलब कि गोलीय दर्पण के लिए हमको संबंध बताना है आर और एफ के बीच में। और ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से ऐसे आ सकता है, गोलीय दर्पण के लिए F बराबर R बटा 2 को सिद्ध करना, मतलब F बराबर R बटा 2 होता है, इसको सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए हम यहां से उत्तर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गोलीय दर्पण का है तो हम एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। तो गोलीय दर्पण में हम बनाते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण। और आप कौन सा होमवर्क में कौन सा बनाइएगा, अभी तो अवतल दर्पण का तो आप शेयर कर लेंगे, फिर होमवर्क में क्या कीजिएगा तो उसमें उत्तल दर्पण से आपको बनाना होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं हिंट भी दूंगा उसका। तो अवतल दर्पण का ऐसा ही होता है, ठीक है, प्रकार लेकर के बनाइएगा, और उस प्रकार में आप क्या कीजिएगा, जहां से आप बिंदी ले रहे हैं, जैसे बिंदी लेकर घुमा लेंगे, उस बिंदी को आप सी मान लीजिएगा और उससे सीधा डंडा ऐसे खींच दीजिएगा, याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल सीधा डंडा खींचना है, ये इधर से चल जाए, इस बिंदी को जहां से आपने प्रकार का लोक रख के किया था ये सी हो गया, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में क्या कहते हैं आप तो स्केल से बिल्कुल बीच के दूरी माप लीजिएगा, बिल्कुल बीच होना चाहिए लगभग, तो उसमें आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, F लिख देना, क्लियर है। और यहाँ पे क्या P था, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, याद कीजिए, आप लोग पीछे पढ़े हो, तो ये P हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या क्या चीज लिखा, एक दर्पण बनाया, इस दर्पण का नाम लिख देते हैं ये M और ये M डैश, M M डैश, ये दर्पण का एक कोर मान लिया, एक एम ये मान लिया, एम डैश ये मान लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोगों ने चित्र बनाया वैसे वैसे हम लिखेंगे, माना कि एम एम डैश, डैश थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है, एम डैश एक अवतल दर्पण है, क्लियर है। तो एम एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है, बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद से जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव पी, ध्रुव क्या है पी, कॉमा सी क्या है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी तथा ये एफ क्या है, मुख्य फोकस, पहले पढ़े ना आप, याद रखिए छह परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य फोकस बड़ा है, है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण लेते हैं, यहाँ बिंदु से कोई एक बिंदु ले लीजिएगा, दर्पण के अंदर होना चाहिए, दर्पण यहाँ से ऐसे जा रहा है, किसी के अंदर देखा है मैंने, और बिल्कुल सीधा डंडा खींचिएगा, सीधा नहीं ना हुआ, सीधा आप तो इसके खींचेगा, बिल्कुल सीधा खींचेगा, ठीक है, जहां इस पे टकरा रहा है, याद रखिए इसमें समांतर होना चाहिए, समांतर देख रहे हैं, ये नहीं कि ये वाला ऐसे आप मत कीजिएगा, ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, बिल्कुल सीधा समांतर कीजिएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें समांतर चलती हैं,
तो समांतर हमने कितने किया, ये समांतर कितने के पास है, इसको हम लोग परिभाषा कल पढ़े थे, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइएगा, क्या था, कॉपी निकाल लीजिए, देखिए उसमें मुख्य अक्ष के समांतर चली आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से गुजरती है, यही ना बोला गया था, जिस बिंदु से गुजरती है, एफ से गुजर रही है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, मतलब यहां से टकराने के बाद किससे गुजरेगी, एफ से गुजर देना है। तो चलिए इसका हम चिन्ह बना देते हैं, ये रहा चिन्ह, ठीक है, ये चिन्ह ऐसा और ये चिन्ह बाहर निकल, ठीक है, बाहर निकलिए। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमने फिर उसके बाद से ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है, तो ए बी क्या है, प्रकाश की किरण है, तो लिखेंगे ए बी प्रकाश की किरण है जो दर्पण से टकराकर, टकरा रही है भाई, दर्पण से टकराकर एफ से गुजरती है, देख रहे हैं आप लोग, एफ से गुजरती है, क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, ए भी प्रकाश की किरण है जो दर्पण से टकरा के एफ से गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, एक कल और चीज मैंने पढ़ाया था, जब मैंने बोला था कि अब खत्म कर रहा हूँ, मैंने एक बोला कि अभिलंब भी होता है, जिसकी परिभाषा मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, वो अभिलंब कहाँ होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभिलंब होगा यहां से लेके यहां तक, देख लीजिए, ठीक है, ये क्या होगा अभिलंब, क्योंकि ये आपतन बिंदु और ये वक्रता केंद्र, तो इस पर डाला गया लंब अभिलंब होता है भाई, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब हो गया, तो कहां गया भाई, ये सी बी क्या है, अभिलंब है, बी सी अभिलंब, ठीक है, जब बी सी अभिलंब है तो आपको याद कीजिए परावर्तन का नियम पढ़ाए थे हम, याद कीजिए परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, सॉरी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम है, पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है, यहाँ तीनों एक ही समतल में है, और दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, होता है कि नहीं, तो यहां देखिए ये है आपतित किरण, आपतित किरण है आ रही है और ये क्या है अभिलंब, तो इसके बीच का कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे आई, और ये कौन सी किरण है बाहर निकल रही है और ये क्या है अभिलंब है, तो इस किरण को हम लोग इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच के कोण को ये यहां से आता है, क्या कहेंगे इन कोण को, क्या कहेंगे परावर्तन कोण कहेंगे, क्योंकि ये परावर्तित किरण है और ये बीच अभिलंब के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभी आप कॉपी निकालिए, सबकी परिभाषा फिर से याद कीजिए, अगर आप भूल रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप लोग भूल रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग सबकी परिभाषा को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपने खाली कॉपी में लिखा है तो आप उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि उसके बिना यहाँ नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया था। तो आई और आर आपका हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण, तो यहां भी लिखते हैं आपतन कोण बराबर क्या है, आपतन कोण का मान आई और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है छोटा है, छोटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोग का हो गया, ये आपका जितना भी चीज है ये सब आपका पहले भूमिका है, ये आपने जो चित्र बनाया है उसके बारे में आपने यहाँ इसको लिखा है, ठीक है, अब हम यहाँ से अब शुरू करेंगे अपना प्रमाण वाला पाठ, ठीक है, तो पहले आपको लिखने एक बार देख लीजिए, ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बाद से इसमें ये सी वक्रता के मुख्य फोकस, ध्रुव ए बी प्रकाश की किरण जो टकरा के एफ से गुजरती है, आई जो है वो आपतन कोण है और आर जो है वो
अपवर्तन सॉरी परावर्तन कोण है। ठीक है, अब हम शुरू करें। एक और चीज में छोड़ दिया है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। वो है यहाँ पर कि P और F, P यहाँ है तो P यहाँ है, है P और F, P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, F यहाँ है ना, P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो छोटा F कहते हैं, और C और P के दूरी को क्या कहते हैं, बड़ा R कहते हैं। ये दोनों लिख लीजिए अपने कॉपी में, बना लीजिए। तो कौन सी चीज है, फोकस दूरी, पहले वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर बड़ा R और फोकस दूरी बराबर छोटा। ये आप लोगों ने पूरा ये अपने बैग मतलब बना लिया, भूमिका कर ली कि भाई ये आप लोगों को करना है। ठीक है, अब हम इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, उतार लीजिए नजर। चलिए हो गया, हम लोगों ने यहाँ चार चीज लिखा था, ये सब जो चीज था वो चित्र से था। एक चीज में और छूट रहा था, मैं यहाँ लिख देगा, आप पहले उसको लिख लीजिएगा। वो है इस वाले कोण को हम लोग मान लेते हैं, ये वाला जो कोण है इसको हम लोग वन मान लेते हैं, मतलब कि कोण BCF, BCF बराबर कितना मान लिया हमने, वन मान लिया। क्लियर है, ठीक है, कोण वन मान लिया, ये वन मान लिया गया हम लोगों ने, ये क्या है मान लिया। ठीक है, अब यहां पर तो हम लोगों ने माना कि तो सारा खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है, दूसरे नंबर पे जब किसी भी चीज को सिद्ध करना होता है तो दूसरे नंबर पे जो चीज सिद्ध करना होता है उसको लिखा जाता है, सिद्ध करना है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बटा दो, सिद्ध करना है एफ बराबर आर बटा दो। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे परमाणु, क्या शुरू करेंगे परमाणु, ये भी हेडिंग है। ठीक है, सिद्ध करना में जो सवाल में दिया रहता है उसी चीज को सिद्ध करना में लिखा जाता है। अब लिखेंगे परमाण, अब परमाण बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। परमाण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग चित्र को देखते हैं, तो चित्र में देखते हैं ये जो कोण है वो आपतन कोण है, ये जो कोण है ये अपवर्तन कोण परावर्तन कोण है, और ये कोण हमने माना है। ठीक है, अब ये दोनों कोण हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से, क्या नियम से होता है भाई, तो आपतन कोण मतलब आई बराबर होता है आर, क्या होता है आई बराबर आर, जो ये आई है वह किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आई बराबर आर। समीकरण नंबर कितना बन गया, क्योंकि आप परावर्तन के जो नियम होता है वो क्या करता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर। अब दूसरी तरफ देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये कौन, ये रेखा आपतित किरण है और ये भी रेखा क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है और ये रेखा उसको काट रही है। अब ध्यान से देखना, नाइन्थ क्लास में वो चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये सब होते क्या है पता है आपको, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संगत कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों संगत कोण होता है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होता है, वो एकांतर कोण होता है। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बराबर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां वाला जो है उसका मान है आई, यहां यहां वाला जो मान है उसका मान क्या है एक, तो इसका मान आई है इसका मान एक, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर, आई बराबर क्या हो जाएगा एक। चित्र से कोण आई बराबर कोण एक, आई बराबर कोण एक, कैसे कोण आई की लगा दीजिएगा, कैसे हुआ, क्योंकि हमने जाना एकांतर कोण है ये, तो कैसे हुआ ये, समीकरण नंबर दो कैसे बना,
एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है, किस कारण हो गया, एकांतर कोण होने के कारण। तो ये क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को दो समीकरण प्राप्त, समीकरण एक और समीकरण दो। तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से तुलना कीजिए। एक में है आई बराबर आर और दो में है आई बराबर एक, तो दोनों में आई तो बराबर है, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो समीकरण एक और दो से कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण एक, मतलब आर और एक दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब चित्र कहाँ है भाई, तो चित्र यहाँ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों एक त्रिभुज में है, कौन सा त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है, ये आर और एक, एक त्रिभुज बी एफ सी में है, इसी में है। तो इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक कौन सा त्रिभुज होगा, आपको पता होगा कि जब दो किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं, कोई दो कोण बराबर होगा तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाती है। याद रखिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो उसकी दो भुजा बराबर हो जाएगी। तो कौन सी दो भुजा बराबर होगी, तो देखते हैं, पहले यहां लिख देते हैं त्रिभुज बी सी एफ कौन सा त्रिभुज होगा, दो भुजा बराबर, मतलब दो भुजा का क्या होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, कि किसकी कितनी भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा बराबर है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी दो भुजा बराबर होगी, तो ये जो कोण है आर, आर के सामने वाली भुजा क्या है सी एफ, और एक के सामने वाली भुजा, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कौन कौन सा बराबर होगा, आर के सामने सी एफ और एक के सामने बी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। क्यों, फिर से एक बार देख लीजिए, हमने यहां देखा आई बराबर आर, आई बराबर एक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एक हो गया। त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि इसके दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। यहां देख सकते हैं दो कोण बराबर होने के कारण त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सी एफ बराबर क्या आ जाएगा, बी एफ, क्योंकि दो इस वाले के सामने ये हो गया और इस वाले के सामने ये, तो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो गए। ये समीकरण नंबर कितना बन गया हमारा, समीकरण नंबर तीन बन गया। कोई दिक्कत, यहां तो उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने क्या देखा, सी एफ बराबर क्या आ गया, बी एफ आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर इस दर्पण का द्वारक, मैंने कल परिभाषा छुड़वा दिया था, द्वारक की परिभाषा छूट गई थी, द्वारक किसे कहते हैं, तो किसी भी दर्पण के जो दोनों फेस है, सबसे लास्ट वाला, इन दोनों के जो बीच का दूरी होगा उसे हम लोग द्वारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, मतलब ये द्वारक क्या होता है, छोटा हो जाए, तो B कहाँ आ जाएगा, P के पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट अगर यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, तो B कहाँ आ जाएगा, लगभग P के पास आ जाएगा। तो बिंदु B P के निकट होगा, होगा कैसे, हम लोगों ने देखा कि अगर इसका द्वारक छोटा हो जाए तो ये जो बिंदु है ये वाला पी के बिल्कुल करीब आ जाएगा, हमने यह माना है
कि इसका द्वारा क्या हो, छोटा हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिंदु P इसके निकट होगा, BP के निकट होगा। इसलिए जब B वाला P के पास होगा तो ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, BF बराबर क्या हो जाएगा, BF बराबर PF, BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। समीकरण नंबर 4 कैसे हुआ, तो इसका द्वारा छोटा था, छोटा होने के कारण ये वाला बिंदु यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो जिसके कारण ये दोनों दूरियां जो थी वो लगभग क्या हो गई, बराबर हो गई। जब ये बराबर हो गया तो BF बराबर PF और CF बराबर BF, तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण सेम। तो समीकरण 3 और 4 से दोनों समीकरण से देख लिया जाए, PF बराबर क्या हो जाएगा, CF मतलब CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। कैसे पता चला, BF दोनों में सेम है तो PF बराबर क्या हो जाएगा, CF। CF देखिए यहां पर क्या है, CF यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं PC बटा 2, और PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो PF ही रहने दूंगी। PC का मान कितना था आपको मैंने बताया था, वक्रता त्रिज्या का नाम लिखवाया था, PC का मान कितना था, R था। अगर आपने वहां वक्रता त्रिज्या लिखा हो, अगर PC नहीं लिखा हो तो आप लिख लेंगे और PC बराबर R लिख लेंगे, और इसका मान क्या लिख लेंगे, PF, मुख्य फोकस का मान PF बराबर F लिख लेंगे। तो PC का मान कितना हो गया, R बटा 2, और PF का मान हो गया छोटा है, तो इसको सीधा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F बराबर R बटा 2, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही चीज हमको लाना था, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाला जो पार्ट है ये काम का नहीं है। ठीक है, आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दोबारा फिर एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।